हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एक भाई ने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे ICICI बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 10 लाख का पर्सनल लोन, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने 3 साल मुझसे पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे इन 3 सालों में बताइए मेरी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10 लाख पर, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल पे, और क्या मुझे मंथली EMI देनी पड़ेगी। उन्होंने मंथली EMI को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। उन देखो हर भाई का क्वेश्चन आ रहा है इतने समय, आप लोग देख रहे होंगे कि मंथली EMI यार, मंथली EMI को निकालना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीक़ों से ये मंथली EMI निकालना बता दूंगा। प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स ये सब कोई पढ़ के बता देता है यार, होता है मंथली EMI कैसे निकालना, क्योंकि लोन को जज करना सबसे ज़्यादा हम लोग मंथली EMI से कैलकुलेट करते हैं कि ये मंथली EMI क्या होगी, ईयरली EMI क्या होगी, और मेरी पूरी मतलब कि अगले साल की ईयरली EMI क्या होगी, अगले साल की मंथली EMI क्या होगी। इन ढेर सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि और भी जानेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ICICI बैंक के पर्सनल लोन पे, और क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर्स होंगे, और क्या 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं अपनी ICICI बैंक की ऑफिशियल साइट पे। तो हम आ चुके हैं ICICI बैंक की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे जो ICICI बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे नीचे स्लाइड करते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, शायद दिखाई दे। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, इतने में काफ़ी है। तो 10.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और लोन अमाउंट की बात की जाए तो ये लोग 50,000 से 25 लाख तक का आप लोगों को लोन अमाउंट दे रहे हैं। और प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो आप लोग को 2.5% ऑफ लोन अमाउंट, अब मतलब कि अगर भाई ने 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो उनको 2.5% उनके लोन अमाउंट से काट लिया जाएगा प्रोसेसिंग फीस। 10 लाख में आप लोग का 2.5% लोन प्रोसेसिंग फीस काट लिया जाएगा। मैं प्रोसेसिंग फीस का एक फीचर बता दूं, आप लोग जो बैंक को प्रोसेसिंग फीस देते हैं उसमें आप लोग का घाटा होता है, ना कि बैंक का फ़ायदा। बैंक का फ़ायदा बहुत होता है, आप लोग का घाटा होता है। प्रोसेसिंग फीस ना बैंक को चाहिए होती है। जो कुछ जो सरकारी गवर्नमेंट वाले अप्लाई होते हैं ना, वो तो प्रोसेसिंग फीस भाई अपनी ऐसे वैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं कि मेरी प्रोसेसिंग फीस ना लगे, लेकिन आप लोग को जो जनरल पब्लिक होती है ना, वो प्रोसेसिंग फीस भी दे देती है। हम लोग को प्रोसेसिंग फीस निल करवाने के ऊपर टॉपिक के ऊपर बैंक वालों से बात करनी चाहिए, शायद हो जाए तो आप लोग का जो 2.5% लोन जाएगा वो बच जाएगा और आप लोग उस पैसे को और किसी चीज़ में लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो टेन्योर की, तो 1 से 6 साल तक का आप लोग को टेन्योर मिल जाता है, 1 साल से 6 साल तक का। मिनिमम मंथली सैलरी की बात करी जाए तो 30,000 आप लोग की मंथली सैलरी होगी तभी आप लोग को पर्सनल लोन मिलेगा यहाँ से। तो अब ये एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं EMI कैलकुलेटर पर। तो हम आ चुके हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें आप लोग आकर के पर्सनल लोन आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट मैंने पहले से ही फिलअप करके रखा हुआ है 10 लाख, तो आप लोग यहाँ पे स्लाइडर की मदद से 10 लाख का अमाउंट डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो मैंने यहाँ पे 10.25 चल रहा है तो मैंने वो डाल दिया है। और लोन टेन्योर की बात करी जाए तो मैंने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग 3 साल का मंथली EMI कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो ये मैंने 5 साल पूरा फिलअप कर लिया है। और इस EMI कैलकुलेटर की मुझे बेस्ट चीज़ ये लगती है, यहाँ पे आप लोगों को मंथली EMI तो पता चल जाता है, तो आप लोग को ये भी पता चल जाता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। और टोटल मतलब कि कुछ भी आप लोग को माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप लोग को ये EMI कैलकुलेटर दे देता है। और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक सर्कल ग्राफ मिलता है और एक पेन ग्राफ मिलता है और एक लंबा सा चार्ट मिलता है जिसमें आप लोग को और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं जो हम लोग के 10 लाख के अमाउंट पर 10.25% पर 5 साल में जो हम लोग की मंथली EMI बनेगी वो बनेगी जाकर के 21,370 रुपये। अगर हम लोग उसी जगह बात करेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा तो वो हम लोग को देना पड़ेगा 2,82,216 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो हमें देनी पड़ेगी 12,82,216 रुपये। अब आप लोग समझिए कि 5 साल में आप लोग को 21,370 रुपये देना पड़ रहा है, 22%
22% आप लोग का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 22% इंटरेस्ट जो है, जो आप लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं, ये जो ग्रीन सेक्टर एरिया होता है, ये आपने बैंक से पैसा लिया उसके प्रति आप लोग को जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 22% है। ये 5 सालों में आप लोग को 22% लग रहा है। इसी जगह हम लोग बात करते हैं 4 सालों में हम लोग का कितना लगेगा। तो 4 सालों में हम लोग का 18%, मतलब 4% डिक्रीज हो गया 1 साल घटाने पर। और आप लोग की जो मंथली EMI बनी जाके वो 25,483 रुपये, 4,000 का अमाउंट हम लोग का यहाँ पे घटते हुए आप लोग को साफ साफ समझ में आ रहा होगा। और टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो वो हम लोग का देखो 3 लाख कुछ पड़ रहा था, 2,80,000, यहाँ पे पड़ रहा है 2,23,175 रुपये टोटल इंटरेस्ट। अब हम लोग और देखो हम लोग को अमाउंट टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर के अमाउंट भी कम भरना पड़ रहा है, 12,23,175 रुपये। अब देखो ये जो अमाउंट कम हुआ है, इस अमाउंट को आप लोग और कहीं पे लगा सकते हो आसानी से। ये जरूरी नहीं होता यार, हम लोग को अपनी EMI जल्दी से जल्दी फिलअप करनी चाहिए, और जल्दी जल्दी इसलिए फिलअप कर देनी चाहिए, जो हम लोग का इंटरेस्ट वाला जो पैसा होता है उसको हम लोग और कहीं अदर बिजनेस पे ही लगा सकते हैं। इसी जगह हम लोग बात करते हैं 3 साल में, तो 3 साल हम लोग ने देखो सीधे 2 साल कम किए, तो हम लोग को देखो उसमें 18% लग रही थी, इसमें 14% लग रही है, 14% इंटरेस्ट लग रहा था। हम लोग को 5 साल में 22% लग रहा था। आप लोग देखते थे 4, 2, 6, 4, 6, 2, 8, 8% का हम लोग को पूरा पूरा यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अमाउंट की बात करी जाए तो 1.5 लाख से ऊपर भी अमाउंट, 1.5 लाख हम लोग का अमाउंट यहाँ पे कम हो चुका है। 1.5 लाख अमाउंट आप लोग और कहीं अदर बिजनेस में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और 32,000 हम लोग की EMI हो गई मंथली, मंथली EMI निकल के आई 32,385 रुपये 3 साल में। और 3 साल में हम लोग को देखो ग्राफ में आप लोग समझ सकते हैं 85% आप लोग का लोन अमाउंट हो गया, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट टोटल इंटरेस्ट आप लोग का 14% हो गया। और टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 11,65,849 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी जगह बात करते हैं कि आप लोग को अगर पता लगाना है कि टोटल ईयरली वाइज हम लोग को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, लोगों का आइडिया रहता है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 2022 में कितना होगा, 2023-22 में मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा, वो भी आप लोगों को जैसे पता लगाना है तो इस चार्ट में आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे आप लोग को पता लगाना है 2022 में मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो बता सकते हो 1,96,545, और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 2022 में 62,532 रुपये। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ए प्लस बी मिलाकर के आप लोग का 2,59,077 रुपये। ऐसे अगर आप लोग को पता लगाना है 2023 के मई में कितनी देनी पड़ेगी मुझे पूरी पेमेंट, दो दो 2022-23 में आप लोग जैसे ही मंथली वाला चार्ट निकालना चाहेंगे तो उसको आप लोग 2023 को जैसे क्लिक करेंगे एक मंथली चार्ट भी निकल के आ जाएगा। तो जैसे आप लोगों को मंथ वाइज भी पता लगाना है कि मई में मेरा कितना जाएगा, तो 26,405 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट, 5,979 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट रेट, उसके साथ टोटल पेमेंट हुई 32,384 रुपये। और इसको आप लोग प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, और प्लस पॉइंट आप लोग PDF बना करके अपने मोबाइल पे ही लगा सकते हो। ये फीचर्स रहे कुछ आप लोग को EMI कैलकुलेटर के। तो आई होप आप लोग को ये EMI कैलकुलेटर पसंद आया होगा, और मैंने थोड़ा डीप से आप लोग को चीज़ें समझाई, तभी मैं कहता हूँ कि लोन हम लोग को जल्दी जल्दी भरना चाहिए। और आप लोग को मैंने लोन अमाउंट कैलकुलेट करके भी बताया कि कैसे आप लोग लोन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आगे अभी बात करनी है हम लोग को एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँ कि 2 साल में आप लोग देखो जैसे करते हो ना, तो 2 साल में आप लोग को कितना कम इंटरेस्ट लगेगा, 9%। अब आप लोग देख सकते हैं 5% में आप लोग का 22%, 2 साल में आप लोग का 9%, देख रहे हैं ना। 26,000 आप लोग की 260 रुपये मंथली EMI बनेगी। आप लोगों को लोन अपना जल्दी जल्दी पे करना चाहिए, मैं यही प्रेफर करूँगा। आप लोग पहले खुद से, मैंने आप लोग को लोन अमाउंट मंथली EMI कैलकुलेटर का यूज करना तो मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन आप लोग खुद से एक बार यूज करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट समझ में आएंगे। तो मैं अब चलता हूँ एलिजिबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि ICICI बैंक हम लोग ने पता चल गया है, तो कंपैरिजन भी आप लोग यहाँ पे पता चल जाता है। अब बात करते हैं ICICI बैंक पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस की। प्रोसेसिंग फीस 2.5% आप लोग को पता चल गया, प्री पेमेंट चार्जेस जो हैं वो 5% आप लोग के लगेंगे, और लोन कैंसिल चार्जेस आप लोग के 3,000 प्लस GST। अगर आपने लोन कैंसिल करवा दिया, लेने के बाद तुरंत कैंसिल करवा दिया, तो आप लोग को 3,000 देना पड़ेगा। पेनल इंटरेस्ट आप लोग का 24% रहेगा। EMI बोनस चार्जेस आप लोग का 4,000 पर बोनस रहेगा, और रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज आप लोग का 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन रहेगा। 250 ICICI पर्सनल लोन की बात करी जाए तो आप लोग को बहुत सारे पर्सनल लोन देखने को मिल जाते हैं। टॉपअप पर्सनल लोन आप लोग को देता है 50,000 से 25 लाख तक का, और पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर भी आप लोग को, ट्रांसफर ऑफ एग्जिटिंग पर्सनल लोन फ्रॉम बैंक NBFC ICICI, और फ्रेश फंडिंग आप लोग को पर्सनल लोन मिलता है, फ्लेक्सी कैश पर्सनल लोन मिलता है, पर्सनल लोन ऑफ ऑन NRI मिलता है, प्री अप्रूवल पर्सनल लोन मिलता है,
अगर प्री क्वालिटी क्वालिफाइड पर्सन लोन मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आईसीआई पर्सनल लोन के लिए। देखो मैं एक बार आपको और भी प्रेफर कर दूं, आप लोग को लोन लेने से पहले, पर्सनल लोन लेने पहले, अगर आप लोग के पास आसपास कोई ब्रांच हो ना, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के और भी ज़्यादा चीज़ें जो माइंड में थोड़ी दिक्कत दे रही हूँ, क्योंकि लोन लेने से पहले हर जगह हम लोग को चेकआउट करना चाहिए, ऑनलाइन तो चले चेक तो करना चाहिए। अगर आप लोग के पास आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच हो तो एक बार वहाँ पे जरूर जा करके चेकआउट करना चाहिए, जिससे जो हम लोग के माइंडली थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो सैलराइड पर्सन के लिए जो आप लोग की एज होनी चाहिए वो 23 से 58 साल की होनी चाहिए, मिनिमम मंथली इनकम 30,000 होनी चाहिए, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का 2 साल का होना चाहिए, टोटल ईयर्स इन करंट रेजिडेंस आप लोग का 1 साल का होना चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उनकी एज 23 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए 25 से 65 साल के लिए होनी चाहिए, मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए 15 लाख का, और फॉर नॉन प्रोफेशनल 40 लाख का, और प्रोफेशनल के और फॉर प्रोफेशनल्स के लिए 15 लाख, नॉन प्रोफेशनल्स के लिए 40 लाख। मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कितना होना चाहिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म 2 लैक्स, फॉर नॉन प्रोफेशनल्स 1 लैक्स, बिजनेस स्टेबिलिटी की 3 साल 5 साल। देखो डॉक्टर्स के लिए 3 साल का होना चाहिए, करेंट बिजनेस के लिए 5 साल का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो सैलरीड पर्सन के लिए आईडी प्रूफ के लिए क्या लगेगा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल एज 3 मंथ ओल्ड, मतलब कि 3 साल 3 महीना पुराना यूटिलिटी बिल लगेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी, बैंक स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ विथ सैलरी एंड इनकम क्रेडिट आप लोग की लगेगी, सैलरी स्लिप एंड लास्ट 3 मंथ की लगेगी। और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए क्या लगेगा, केवाईसी के लिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रेसिडेंट प्रूफ के लिए पासपोर्ट ले सकते हैं, लीव आर लाइसेंस एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, इनकम प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3-6 मंथ दे सकते हैं, रेजिडेंट प्रूफ ऑफ ऑफिस ओन ऑनरशिप दे सकते हैं, प्रूफ प्रूफ ऑफ कंटिन्यू और ऑफ बिजनेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर केयर का आप लोग को नंबर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जाकर के इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है और अल्टरनेट नंबर भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में इनके ब्रांचेस है, दिल्ली में भी है, तो आप लोग बात कर सकते हैं, और इनका ईमेल और आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आप लोग को आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के बारे में पूरी डिटेल से मैंने समझा दिया, अगर तब भी नहीं समझ में आया हो ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तब भी ना समझ में आया तो आप लोग कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग बेहद करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।